संत श्री महाराज का 148वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। स्वच्छता अभियान के जनक रजक, समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि गाडगे महाराज का 148वां जन्मोत्सव धूमधाम से। संत श्री गाडगे जन्मोत्सव समिति सर्व रजक समाज उज्जैन के द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में एलजी भार्गव नगर उद्यान में स्थित संत शिरोमणि की प्रतिमा पर उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश जी टडवाल द्वारा माल्यार्पण व भारती की गई। तत्पश्चात रैली को हरी झंडी देकर रवाना किया गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शर्मा परिसर पर समाप्त हुई। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में समाज के प्रतिभावान बच्चों का एवं समाज सेवियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद व संत श्री उमेश बालक नाथ जी महाराज, विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता की प्रमुख श्रीमती, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री दीपक कुमार जी बनूरिया एवं एमआईसी सदस्य रजत जी मेहता एवं अखिल भारतीय धोबी महासंघ युवा प्रकोष्ठ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश जी कनौजिया एवं अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सत्यनारायण मंदिर समिति मालवीय रजक 84 पंचायत के अध्यक्ष श्री मनोज जी सुल्ताने थे। राज्यसभा सांसद परम पूज्य बाल योगी संत श्री उमेश नाथ जी महाराज उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में संत श्री ने कहा कि समाज के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने की बात कही एवं सभी समाज जनों को अपने नाम के साथ गाडगे महाराज का नाम जोड़ने की बात कही। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने दी खबरदार न्यूज से विशेष बातचीत की एवं समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने पूरे मध्य प्रदेश में अपने को लेकर आश्वासन दिया। कार्यक्रम में द खबरदार न्यूज के पत्रकार नीरेश मालवीय का विशेष सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 व्यक्ति सम्मिलित हुए एवं भंडारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया गया। कार्यक्रम मंच का संचालन सचिव हितेश मालवीय ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष पंकज जी सोलंकी, संरक्षक श्री चंदू जी पहलवान, प्रभारी श्री श्याम जी साकोनिया, श्री नरेंद्र जी खाटवा, प्रवक्ता नीलेश जी बिलोदिया, महामंत्री रामजीलाल खलोटिया, कोषाध्यक्ष कृष्ण दोवडिया, मुकेश नारोलिया, प्रेमचंद्र नाहर, यशवंत नारोलिया, विपिन लश्करी, तरुण लश्करी, सुमित लश्करी, सोनू अंबोदिया, योगेश सुनील, जीतू बिजवा, दिनेश परमार, धर्मेंद्र सिसोदिया, सतीश सिलवानिया, अंकित खाटवा, महेश मालवीय आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज धार्मिक नगरी उज्जैन में राष्ट्रीय संत श्री गाडगे जी महाराज का 148वां जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर एक वाहन रैली आयोजित की गई, साथ ही परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में उमेश नाथ जी महाराज, जो कि राज्यसभा सांसद है, आज उपस्थित हुए। और आइए जानते हैं सुबह से अभी तक किस किस प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं। और कार्यक्रम में महिलाएं और काफ़ी उत्साहित थी, पुरुष वर्ग भी काफ़ी बच्चे थे। और किस प्रकार का प्रोग्राम आज आयोजित किया गया था, ये किस प्रकार का प्रोग्राम था सर? आज पूरे उज्जैन में बड़े धूमधाम के साथ पूरे रजक समाज में मिलकर रजक समाज के आराध्य देव हमारे संत शिरोमणि गाडगे महाराज का जन्मोत्सव। कितने वर्ष हो चुके हैं इस प्रोग्राम को? 148 वर्ष पूर्ण हो चुके। उज्जैन में कितने वर्ष हो चुके हैं आपको करते हुए? उज्जैन में 2011 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस बार कैसा रहा है आज? इस बार और उत्साह के साथ कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, आप देख ही रहे हैं इस हिसाब से। सर, यहाँ पर एक विशेष अतिथि आए थे आज योगी जी, और उन्होंने जो इस समाज की एक सबसे बड़ी विडंबना कहेंगे, जो कि आप हमेशा बड़े से बड़े अतिथियों को बुलाते हैं, बीजेपी के हो या कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, और आप ही का एक मुद्दा है अनुसूचित जाति का मुद्दा जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पूरे मध्य प्रदेश में आधे वर्ग को अनुसूचित जाति में, आधे वर्ग को पिछड़ा वर्ग में लिया हुआ है। इस प्रकार की यहाँ पर जो विडंबना स्थिति है वो चली आ रही है, इनकी मांग जो है वो कभी पूरी नहीं हो पाती है। और आज जब खबरदार की टीम ने अभी योगी जी से बात की तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि अगर सभी लोग एकजुट होकर उन तक ये बात पहुँचाएंगे तो इनकी समस्या वो हल हो सकती है। उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। सर, मैं दीपक बनूरिया, निवासी होशंगाबाद जिले से, भोपाल मेरा कार्यालय है।
कार्य क्षेत्र पूरा भारतवर्ष है। मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय और भारत सरकार से पूरे भारतवर्ष का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि उमेश नाथ योगी महाराज जी जो कि इस उज्जैन नगरी से हैं और साथ में राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश से अभी अभी चुने गए, आपका प्रश्न उनसे किया गया था कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में 3 जिलों में हम लोग हमारी रजक समाज जो आती है, रजक समाज सन 1857 से पहले से हम लोग देश आज़ाद हुआ और उस समय से भारत की अनुसूचित राजपत्र जाति में अनुसूचित जाति में हम आते हैं। 12 राज्यों में हम नहीं आते हैं, बाकी 18 राज्यों में हम लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति भोपाल रायसेन और सीहोर में आने के उपरांत भी, जबकि भारत के राजपत्र में उनकी कंडिका धारा के अनुसार जहां एक कस्बा एक तहसील एक जिला यदि कोई आता है उसे अनुसूचित जाति में मिलाया जाता है, ये मध्य प्रदेश सरकार की कैसी विसंगति है जो कि हम लोग मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति में 3 जिलों में आने के बाद भी हमारा 4 बार प्रस्ताव आशासकीय संकल्प पारित हो चुका है, उसके बाद भी हमें मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति से आने में अछूता रखा है। अब अगला कदम क्या होगा? आपका सरकार बदल चुकी है, अब नए मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं और अभी योगी जी ने भी कुछ बात कही है, अब अगला कदम समाज का क्या होगा? अब अगला कदम रजक समाज का ये होगा, सर्व रजक समाज के जनप्रतिनिधियों को बुला के और आज जैसे कि उमेश नाथ योगी जी के साथ में हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया कि मेरे पास आपका आवेदन निवेदन लेके आएं और मध्य प्रदेश में राज्यसभा में मैं ये बात रखूँगा, क्योंकि 4 बार हमारा आशासकीय संकल्प पारित हो चुका है। इसे सिर्फ कोई इल्लीगल नहीं करना, पूरा लीगल काम है जो कि उनकी अनुशंसा पे लगाकर मैं भारत के संसद राज्यसभा में और लोकसभा में उमेश योगी राज्यसभा सांसद जी से निवेदन है कि वे इस मांग को उठाएं और हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारी एक ही एक सूत्री मांग है अनुसूचित जाति में रजक समाज को मिलाया जाए जो कि भारत सरकार के राजपत्र में है और नियमानुसार जिस तरह 1976 में राजस्थान में एक अजमेर जिले के एक गांव में अनुसूचित जाति आती थी, उस समय भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने कि वहां पर इमरजेंसी लगने के बाद भी रजक समाज को अनुसूचित जाति में मिलाया है। हम यही मांग सरकार से लगता है आपको आपकी मांग पूरी हो जाएगी? देखिए हम फिर भी संघर्षरत करते आए हैं और रजक समाज संघर्ष अंतिम सांस तक करता रहेगा। चलो आज हर्षोल्लास का दिन है, आपकी समस्या को हमने उठाया और आगे भी आप प्रयासरत रहेंगे, लेकिन आज रजक समाज की जो संत गाड़गे बाबा की जयंती है वो बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है और इसमें क्या क्या खास रहा आइए जानते हैं, आज की जयंती में क्या क्या खास रहा और कितनी पब्लिक थी? जी मैं बड़नगर से किशोर सरसोदिया रजक समाज वैवाहिक ग्रुप रजक वैवाहिक ग्रुप चलाता हूँ और मैं भी यहाँ आकर के अभिभूत हुआ हूँ, बड़ा ही हर्षमय वातावरण। आप अभी तक बहुत सारे प्रोग्रामों में गए होंगे, 23 फरवरी को लगभग पूरे ही देश में वो ये प्रोग्राम होता है, उज्जैन में कैसा लगा, क्या विशेषता? उज्जैन तो अभूतपूर्व है, तो कुल मिलाकर उज्जैन का ये प्रोग्राम बहुत अभूतपूर्व था। आप देख रहे हैं उज्जैन से द खबरदार न्यूज़ के लिए नीलेश मालविया की रिपोर्ट। बोलो गाड़ के महाराज की जय। स्वच्छता का संदेश देने वाले गाड़गे बाबा का रजक समाज 148वीं जयंती पूरे भारत नहीं अपितु विश्व में मना रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल के आंगन में आज जो यह आयोजन किया जा रहा है सर्व रजक समाज के तत्वावधान में, हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है कि आज रजक समाज का बच्चा बच्चा अपने को गौरवान्वित मान रहा है कि उनके राज संत की आज 148वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। आज दिन भर में किस किस प्रकार के आयोजन है? सर्वप्रथम मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ गाड़गे बाबा की प्रतिमा से हमारी रैली स्टार्ट होगी, शहर के मुख्य मार्गों से रैली घूमती हुई शर्मा परिसर में संपन्न होगी, वहाँ परिचय सम्मेलन होगा, प्रतिभा सम्मान समारोह होगा और समाज में विशिष्ट कार्य करने वाले महानुभावों का रजक समाज के बंधुओं का
सम्मान किया जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज सुल्तान है, अध्यक्ष श्री सत्यनारायण मंदिर चौरासी पंचायत मध्य प्रदेश मालवी रजक समाज उज्जैन। जय गाड़गे महाराज जी महाराज की, गाड़गे जी महाराज की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वंदनीय गाड़गे जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को, विशेषकर मंच के जितने भी जो अतिथि हैं उनको भी, और बाहर आवाज़ जा रही है तो वो भी इस बात को ध्यान से सुने कि हमारा ये जो राष्ट्र है, जिस देश में हम रहते हैं उसको भारत बोलते हैं, और भारत राष्ट्र में जितने भी मानव समाज के जो लोग रहते हैं वो सब हम जो है ऋषि मुनियों की संतान है, संत महात्माओं की संतान है। और कभी कभी मैं देश के बड़े मंचों पे भी ये बोलता हूँ कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारे बीच मौजूद हैं उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल जी। आइए जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा के बारे में। सर, आज के इस प्रकार का प्रोग्राम हमारे सर, आज आपका जन्मदिवस ही, बाबा महाकाल से क्या प्रार्थना करते हैं और हमारे चैनल और हमारे समाज की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाबा महाकालेश्वर जी की प्रार्थना है कि हमारा उज्जैन से हमारे साथ मौजूद थे उज्जैन के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल जी। आप देख रहे हैं उज्जैन से खबरदार न्यूज़ के लिए नीलेश मालविया जी को। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।